गज में बना हुआ मौके में 175 गज है, 20 फीट के रोड में नियर सहस्त्रधार रोड से 500 मीटर। ये एक घर है, डुप्लेक्स है, 4 BHK, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में बना हुआ है, चौड़ी सड़क है, ठीक है, सही है। ये डुप्लेक्स यहाँ से शुरू करके यहाँ तक है, रेनोवेशन करवाया गया है, 2015 का बना हुआ घर है, ठीक है। और हम ये कार पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, यह यहाँ से बाहर से एंट्री है, सीढ़ी यहाँ से स्टेयर गेस बाहर से भी जा रहे हैं, अंदर से भी जा सकते हैं। ये ओनली 500 मीटर से, ठीक है, मोटर लगा हुआ है, यहाँ से अलग जा सकते हैं। ये एक एंट्री हो गया यहाँ से आपका, और फिलहाल काम चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये मार्बल फिटिंग है यहाँ पर, डाइनिंग प्लस ड्राइंग एक साथ है, सीलिंग पे भी LED वगैरह काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है यहाँ पर, सारे बहुत स्पेसियस है, ठीक ठाक ही है, बड़े खिड़की वगैरह लकड़ी वगैरह का भी काम सही है यहाँ पर। और ये आपका ड्राइंग रूम हो गया, ये डाइनिंग रूम हो गया, फिर ये किचन आ गया आपका सामने, किचन भी ठीक है, यू शेप में बड़ा किचन बना हुआ है, मॉडर्न किचन। अभी इसमें पावर नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, बाकी काम बहुत बेहतरीन किया हुआ है इसमें, सारे चिमनी लगा हुआ है इसमें, ठीक है, मॉडर्न किचन बना हुआ है सारे, डबल सिंक, यहाँ पर आपका लगाने के लिए पानी का वाटर प्योरीफायर, और ये आएगा 2 बेडरूम, एक बेडरूम यहाँ पर, एक बेडरूम है, दोनों में बाथरूम अटैच है, और ये स्टेयर गेस जा रहा है बाहर से, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से सीढ़ी है कि बाहर से इसका स्टेयर गेस जा रहा है। तो पहले बेडरूम पर चलते हैं, ये वाला बेडरूम है, और यहाँ पर कबर्ड बना हुआ है, और ये रहा बाथरूम, न्यूली बाथरूम है, एडजस्टमेंट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम सेकंड बेडरूम पे चलते हैं, सेकंड बेडरूम में भी यहाँ पर एक अलमीरा बना हुआ है ऊपर रखने के लिए, और ये एक बड़ा बाथरूम है, ये भी सेम उसी तरीके से बाथरूम बना हुआ है, बढ़िया, छोटा नहीं है बाथरूम यहाँ पर आपका, ऐसे मान सकते हैं मीडियम साइज़ का बाथरूम है, प्यारा सा यहाँ पर एक वॉश बेसन लगा हुआ है, और ये यहाँ पर इसका कमोड लगा हुआ है, हर लकड़ी का काम है दरवाजे में, कोई इसका काम नहीं है। यहाँ पर एक वेंटिलेशन एरिया है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे यहाँ पर आपका थोड़ा एरिया है वॉशिंग के लिए, स्पेस है। अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पर एक बहुत सारा स्पेस है नीचे सीढ़ी के, यहाँ से जब जब चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, स्टेयर से ऊपर चलते हैं। चलने के बाद ये सीढ़ी ऊपर जा रहा है यहाँ पर, और ये ऊपर आ गया आपका डाइनिंग आ गया स्पेस यहाँ पर, ऊपर अलग से किचन भी है आप देख सकते हैं। ऑन योर 500 मीटर से दोस्तों, यहाँ से किचन विचन सब बढ़िया बना हुआ है यहाँ पर, अलग से आप रेंट भी रेंट आउट कर सकते हैं, 2 बेडरूम बना हुआ है, एक बेडरूम यहाँ पर बाथरूम के साथ, यानी कि 4 बेडरूम, 4 आपका वाशरूम के साथ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सारे मार्बल फिटिंग है,
और बाथरूम भी बड़े बड़े बाथरूम हैं, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन बालकनी है आपको, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, एक दूसरा चौथा नंबर बेडरूम है आपका, सब में अलमारी बना हुआ है, सब बेडरूम के साथ आपका बाथरूम भी अवेलेबल है बड़े साइज के। और ये एक बालकनी है नीचे, ऊपर बालकनी है ये, ठीक है। और ये नीचे का जो स्पेस है मैंने आपको बताया वॉशिंग के लिए, वो है यहाँ पर, वॉशिंग मशीन के लिए लगा सकते हैं या टीन सेट लगा सकते हैं, जो भी है। अब हम चलते हैं थोड़ा बालकनी के, वो ये तो ऊपर से जा रहा है नीचे से, ऐसे छत पे जा रहे हैं, सारा डबल मोल्डिंग किया हुआ ग्रेनाइट के साथ। ये आपका टेरेस में जा रहा है, बड़ा टेरेस है, बेहतरीन। और मैं आपको लोकेशन का बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये सामने ही सहस्त्रधारा रोड है, सामने यहाँ पर गाड़ी चल रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सामने ही है एकदम, गाड़ी चलते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा मैं छत में जाने की कोशिश करूँगा, छत में जाके मैं थोड़ा एक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं टेरेस पे, छत पे काम बहुत अच्छा हुआ है इसमें, यहाँ पर ग्लासेस लगे हुए हैं, वाह क्या नज़ारा है, देखिए यहाँ पर स्पेस है आपका कुछ रखने वगैरह के लिए। और ये आ गया हम छत पे, दो टैंक लगा हुआ है यहाँ पर। और देखिए मौसम, देखिए बहुत बेहतरीन मौसम है, नज़ारा देखिए आजू बाजू का, पहाड़ का, मसूरी जी को भी कभी व्यू भी आ रहे हैं यहाँ से। तो मैं भी ऊपर से जानकारी लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन घर है, बहुत प्यारा सा घर है ये, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।